आज मैं आपको इस इंडस्ट्री मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का निष्पक्ष रूप से दोनों पहलू देना चाहूंगा। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है, क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? देखिए, दो प्रकार की चीजें हैं। या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती है, जैसे वो शारदा स्कैम या जैसे वो स्पीक एशिया या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम और स्कैम, इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीजें खराब है। या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल्स होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं। अब तो हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हमारी देश की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशंस लेके आई है। आपको ध्यान देना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है। आप लोगों ने मुझसे इतनी डिमांड करी इस सब्जेक्ट पे, इतनी डिमांड करी, आज मैं आपको फुल प्रूफ मेथड शेयर करता हूं कि कंपनी को समझिए पहले तीन चीजों से। पहला है कंपनी का पीपल एंड फिलॉसफी। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, जाते ही ये मत देखिए कमाई कितने होने वाली है, जाते ही ये मत देखिए कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, जाते ही देखिए कंपनी के पीपल और फिलॉसफी कैसा है। फिलॉसफी मतलब उस कंपनी का सिद्धांत क्या है, क्या उस कंपनी के पास एक बाइंडिंग फोर्स है जिसके कारण लोग जुड़ चुके हैं, क्या उस कंपनी के पीपल में कल्चर बहुत अच्छा है, क्या वो कंपनी के पीपल में उनका लीडरशिप बड़ा शानदार है, क्या कंपनी के पीपल के अंदर ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी और ट्रेनिंग के प्रोसेस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया जाता, सावधान, वो कंपनी ज्यादा चलेगी ही नहीं। जिस कंपनी में केवल बार बार प्रॉफिट की बात की जा रही है, और कल्चर केवल प्रॉफिट की बात कर रहा है, फिलॉसफी या कोई पर्पस नहीं है जिस कंपनी का, जिस कंपनी के अंदर जो मैन पावर, जो उनके पीपल है, वहां पे अगर जाते ही आपको मिल करके लोगों से अच्छा नहीं महसूस हो रहा, आपको देखिए लालची लोग तो नहीं दिखाई पड़ रहे आपको, मैं पूछना चाहता हूं, जहां आप जा रहे हैं हर समय पैसा 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 तो नहीं कर रहे केवल? वो सपने होना एक अलग बात है, लेकिन कंपनी को किसी कारण से रन करना जो कि एक बाइंडिंग फोर्स बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ का, जहां पे लोग इकट्ठे जुड़ जाते हैं, बिना तनख्वाह के भी लोग मिलना चाहते हैं, बिना तनख्वाह के भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोग आना चाहते हैं, क्योंकि आके अच्छा लग रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगे तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग बिना तनख्वाह के इतना भयंकर मोटिवेशन रखते हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इतनी तनख्वाह, इतना इंसेंटिव, इतना पे आउट और इतना ज्यादा HR पॉलिसी के साथ फैसिलिटीज, उसके बावजूद भी एम्प्लॉयज में मोटिवेशन नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है, जहां पे कल्चर के चलते लोग डेवलप कर जाते हैं। इसलिए दो पी बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें पीपल और फिलॉसफी। अब अगला है प्रोडक्ट। अब विफल होता क्यों है? क्योंकि स्कीम स्कैम होता है, इतने सारे स्कैंडल्स हुए चले जा रहे हैं, एक के बाद एक। वो स्पीक एशिया आया, वहां मेरा एक दो डेढ़ दो लाख रुपए कमा भी गया, लेकिन अचानक वो कंपनी गायब हो गई, आपको पता, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट जरूर अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको आपको इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, पब्लिक को इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, बहुत अजीबोगरीब से ज्यादा महंगा ना हो, उसकी वैल्यू हो, वो लोग लगातार इस्तेमाल करते हों, वो बार बार इस्तेमाल करते हों, वो प्रोडक्ट में आपका विश्वास हो, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को एड्रेस करता हो, वो प्रोडक्ट आने वाली मार्केट की अडॉप्शन कर्व को समझता हो। अडॉप्शन कर्व समझते हैं ना,
आने वाले समय में मार्केट किधर अडॉप्ट कर रही है, मार्केट को किस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज की ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, तो क्या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज लूटने के लिए बनाए गए हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए, खाली स्कीम के लिए बनाए गए? एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी पीछे, जिसने कई करोड़पति बनाए, लेकिन वो केवल स्कीम बेचने में लगे हुए थे। वो लोग एक कॉन्सेप्ट बेचने में लगे हुए थे। आपकी कंपनी कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं बेच रही है? ऐसा तो नहीं खाली रिक्रूटमेंट का ही पैसा दिया जा रही है, इतने लोग बनाओ, इतना पैसा लो? सावधान, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और जिसको आपको इस्तेमाल करने में मजा आना चाहिए। अब फाइनली आता है कंपनी का प्लान या प्रॉफिट पे आउट। उनका प्लान प्रॉफिट पे आउट कैसा है वो अब देखिएगा आराम से। प्रॉफिट आखिरी चीज है। अगर ये पहले के दो पी जो मैंने ठीक से समझाए अगर ये पूरे हो गए, प्लान प्रॉफिट अपने आप ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा बस देख लीजिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि कंपनी साल के एंड में पैसा देती हो, आपको हर महीने या हर हफ्ते पे आउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और प्लान प्रॉफिट आपके लिए रीजनेबली अच्छा होना चाहिए। बाकी दो चीजें अगर ठीक हुई, प्लान प्रॉफिट कमाई की चिंता मत करिए, बहुत होगी। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। You know what is power of compounding? Compounding effect. Einstein says compounding interest is the eighth wonder of the world. अगर आप दो उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म 4 महीने में, दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। लोग आपको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक अरबपति बनने का धंधा है, आते ही करोड़पति बन जाओगे, धोखा दे रहा, झूठ बोल रहा है आपको। कभी नहीं होगा किसी धंधे में दुनिया के, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियनियर ओवरनाइट, वो स्कीम स्कैम है। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। बाकी आपकी जॉब के अंदर भी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपाउंडिंग रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यही एक फर्क है बस नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी किसी और बिजनेस के अंदर, जॉब्स के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या? आईएएस ऑफिसर बनना आसान है क्या? आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान लगता है क्या आपको? आप एम्स मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जितने एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, आसान है क्या? आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर, लेकिन क्योंकि आप पहले आप पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए, यहां पे पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है। आपकी मेहनत चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है। वो जो आपको बोलता है ना, आजा 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 आजा, तेरे नीचे दो जोड़ ले, वो दो के नीचे वो दो जोड़ते जाएंगे, वो दो के नीचे दो जोड़ते चले जाएंगे, तू अरबपति बन जाएगा। वो बोलेगा आपसे, दो जोड़ जल्दी बनाएगा 2 करोड़, दो जोड़ मिलेंगे जल्दी 2 करोड़। ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। यकीन मानिए, अगर आपको भी कोई ऐसा कह रहा है ना कि तू नेटवर्क मार्केटिंग में आ जा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, नहीं होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता है, वो किया आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। लेकिन आज पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में, खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के MLM जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पे लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी, जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। क्या फर्क पड़ता है? गलत लोग तो हर इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको, इस इंडस्ट्री में भी मिलेंगे। इंडस्ट्री से अपना विश्वास मत उठाइए, यहां पे गलत लोग और गलत कंपनी को बहुत सटीक रूप से ध्यान से पहचानने का प्रयास करिए, वरना इस इंडस्ट्री के तो कई फायदे हैं जो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं। पहला फायदा, इस इंडस्ट्री में आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद ही लिखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम एक बड़ी ताकत होती है। आप सीमित नहीं है एक गांव, शहर या राज्य तक, कहीं भी ट्रैवल करके ओपन मार्केट में किधर भी आप धंधा बिल्ड कर सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आप इतने मित्र, इतने रिलेशन, नए परिवार, नए संबंधों में जुड़ सकते हैं और आपको सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा। एक बार मेहनत कर ली, कमाई होती जाएगी, इतनी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल होगी कि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए पर आपकी आय सुरक्षित रहेगी, अपने आप पैसा आता रहेगा। और तो और, इस बिजनेस के अंदर आपकी एज, रिलीजन, सेक्स, कास्ट
और एजुकेशन, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। इन पांचों की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे के अंदर सिर्फ एक ही समस्या आती है, क्या आपका साइकोफिजिकल नेचर उसको मैच करता है कि नहीं करता। इसको अचीव कैसे करना है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पर आपका साइकोफिजिकल नेचर अगर इसको मैच नहीं करता तो आपको इसको अचीव करने में दिक्कत आएगी। साइकोफिजिकल नेचर का अर्थ क्या होता है, इसमें एक्शन मैन, पीपल मैन, प्रोसेस मैन, आइडिया मैन, मेरे लीडरशिप फनल में मैं इस पे बहुत डिटेल में बात करता हूं। देखिए, आपको अपना साइकोमेट्रिक असेसमेंट कराना चाहिए। साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है हर एक इंसान का, जिससे आपका साइकोफिजिकल नेचर निकल के आता है। साइको मतलब साइकोलॉजिकल, फिजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल। आपको अपना साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नेचर समझना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे में सफल होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारे लोग, उनका नेचर मैच नहीं करता इस बिजनेस को, वो फिर भी इसमें घुल जाते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। अपनी की कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आप देखते हैं जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ना, वो पहले कॉम्पिटेंसी मैपिंग और कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं, और आपको एक नेटवर्कर आएगा और आपको फट 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 बोलेगा, अरे तू अरबपति बन जाएगा, आजा आजा मेरे साथ जुड़ जा, चेन बनाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जनरेशन प्लान, बाइनरी प्लान सब समझाएगा आपको। लेकिन अगर आपका नेचर ही नहीं सूट करता उस धंधे को, तो आप सफल होंगे ही नहीं। क्योंकि देखिए, मेरा काम है आपको ईमानदारी से बताना। आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप लीडरशिप फनल में, कहीं हमारे साथ में एमएलएम के लीडर्स भी आते हैं, दे ऑल्सो कम एंड अटेंड। आपको भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अपने आप कमाई देके जाएगी, आरओआई तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि लीडरशिप फनल, एमएलएम क्या है, एमएलएम इज ऑल अबाउट लीडरशिप, एमएलएम इज बिल्डिंग अ पावरफुल डाउन लाइन, एमएलएम इज अबाउट हैविंग ग्रेट रिलेशन विद योर अपलाइन, MLM is about continuous learning, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो अप करके अपने माल को बेच सकें बड़ी कम्युनिटी के साथ में, अपनी शक्तिशाली डाउनलाइन के साथ में। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका साइकोफिजिकल नेचर मैच करेगा। एक तो व्यक्ति होता है एक्शन मैन। अब एक्शन मैन कौन है? एक्शन मैन वो है जो एम्बिशंस पे काम करता है, एस्पिरेशंस पे काम करता है, राइट नाउ, राइट हियर। ये डिसाइसिव होता है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, ये बड़ा गोल ओरिएंटेड होता है। इनके कुछ और कीवर्ड्स हैं, हाई एनर्जी, मूविंग अहेड, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिविटी, डिसीजंस में बहुत तेज होते हैं, चेंज, अचीवमेंट, चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते हैं। एक्शन मैन बहुत ज्यादा सूट करता है एमएलएम की इंडस्ट्री के अंदर। चार प्रकार के लोग होते हैं, मैं तीन और के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। दूसरा व्यक्ति है प्रोसेस मैन। ये थोड़ा सिस्टम ओरिएंटेड होता है, ये थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये थोड़ा फैक्ट्स पे चलता है, सपनों पे नहीं चलता, सपनों की दुनिया में नहीं घूमता। इसको डेटा चाहिए, इसको लॉजिक्स चाहिए, इसको नंबर चाहिए, इसको एनालिसिस चाहिए। ये काम करेगा खाली फैक्ट्स पे, ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप ही चलना पसंद करता। इससे आप बड़ी बड़ी बातें करोगे आपको पसंद नहीं करेगा। कुछ और इसके कीवर्ड्स हैं, प्रोसीजर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टेस्टिंग, कंटिन्यूअस एनालिसिस, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट। अब ये जो लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट और सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप वाले लोग हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में चलेंगे कैसे, ये सफल नहीं हो सकते। एक्चुअली आपके अंदर एक छुपा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पहचानना है ताकि आप सही इंडस्ट्री में तो प्रवेश करें। और अगला होता है पीपल्स मैन। ये पीपल्स मैन कौन है, इसको रिलेशन बनाना बड़ा अच्छा लगता है, ये थोड़ा इमोशनल होता है, ये कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, टुगेदरनेस, टीम बॉन्डिंग, टीम स्पिरिट, हैप्पीली एवर। ऐसा आदमी सेल्स करने में तेज नहीं होता, लेकिन संबंध बनाने में अच्छा होता है। तो आपको समझना है कि आपका नेचर क्या है। और चौथे प्रकार का आदमी है आइडिया मैन। आइडिया मैन कौन होता है, जो थोड़ा नए आइडियाज लेके आता है, क्रिएटिव होता है, ऑल्टरनेटिव होता है, कभी भी स्टक नहीं होता, नई पॉसिबिलिटीज की बात करता है, नई सॉल्यूशंस बनाता है, इनोवेशन की बात करता है, कभी फंसता ही नहीं है, बार बार सॉल्यूशन की बातें करेगा, नया नए तरीके अप्लाई करेगा, और वो होता है आइडिया मैन। अब दो तीन तरह के नेचर्स का कॉम्बिनेशन ही आपको सफल बनाएगा, आपको स्कोर निकालना बड़ा आवश्यक है। अब कई बार आप साइकोमेट्रिक, अगर आप कहीं दूर रहते हैं, अपने आसपास ढूंढिए कौन आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस कर सकता है। और अगर आप वास्तव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम, इसकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की चिंता कभी मत करिएगा, ये इन्वेस्टमेंट आपको कई गुना रिटर्न्स देके जाएगी। आइए अपना साइकोमेट्रिक एनालिसिस करिए, अपना साइकोफिजिकल नेचर जानिए, जानिए कि आप एमएलएम में कितनी तेजी से या कितने देर तक सफल होंगे। और हो सकता है आप कभी सफल ना हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने लग जाए। वो नंबर्स और अपना एनालिसिस करिए, लीडरशिप को समझिए, और अपनी लीडरशिप के अंदर बहुत शक्तिशाली डाउनलाइन को बिल्ड करिए। सावधान रहिए, गलत कंपनी और गलत अपलाइन के पास कभी मत जाइएगा। जल्दी पैसा कमाने के तरीकों को
तुरंत छोड़ दीजिए। ये मेहनत करने का व्यापार है, मेहनती लोग सही कंपनी के साथ जुड़ेंगे, बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं जाने अनजाने में किसी एक कंपनी के लिए प्रमोटर या डिट्रैक्टर नहीं बनना चाहता, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर आपको सही कंपनी मिल जाए तो आप अपलाइन की बेइंतहा रिस्पेक्ट करिए। अगर आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करेंगे ना, अगर आप अपने अपलाइन की अंधे रूप से रिस्पेक्ट करने का भी नुकसान नहीं होता, हो सकता है कि वो अपलाइन उतना कॉम्पिटेंट ना हो लेकिन आपका फायदा हो जाएगा। अपलाइन की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको इस प्रोसेस का कभी लाभ नहीं होगा। अपने अपलाइन से सीखिए। मैंने देखा है कहीं लेस कॉम्पिटेंट लोग भी अगर अपलाइन के प्रॉपरली रिस्पेक्ट करते हैं तो उनका बिलीफ सही डेवलप होता है और वो फेथ और कॉन्फिडेंस उनको जल्दी सक्सेस दिलाता है। अपलाइन की रिस्पेक्ट करना ये भी एक सफलता का बड़ा मंत्र है। इसमें सफलता के 3 सूत्र मैं जल्दी ही शेयर करने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।